छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा आज बिलासपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिलासपुर आईटीआई का जायजा लिया और उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल आईटीआई में 2 करोड़ और 79 लाख रुपए पास हुए हैं, जिससे यहां की जर्जर बिल्डिंग को दुरुस्त करने का काम होना था, लेकिन समय पर काम नहीं हुआ पूरा, जिसको लेकर जायजा लेने पहुंचे विजय शर्मा नाराज हो गए और अधिकारियों को जमकर फटकारा भी। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे बिलासपुर संवाददाता आशीष दुबे जुड़ गए हैं। आशीष, पैसे सैंक्शन हो चुके थे आईटीआई की जर्जर बिल्डिंग को बनाने के लिए, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, फटकार लगाना जायज है, नाराज होना जायज है? जी सुमित, बिल्कुल जो है मैं इसमें एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि फिलहाल बिल्डिंग बनी नहीं है, पैसे सैंक्शन हुए हैं और बिलासपुर के कोनी में सुमित एशिया का पहला आईटीआई बना हुआ है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग बनी हुई है, जिसे रिनोवेशन का काम करना है। तो आज जो है इसीलिए ही जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है वो शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री भी हैं, तो उन्होंने जो है जायजा लिया कोनी में आईटीआई का। और जो 5 करोड़ 19 लाख रुपए सेंक्शन हुए सरकार की तरफ से, उसके निर्माण से पहले वो जायजा ले रहे हैं कि कहाँ क्या काम होना है। उन्होंने अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि आईटीआई में कहां कहां क्या क्या निर्माण होना है, उसकी एक पूरी रूपरेखा हमको आप सुबह ला करके देंगे। जब वो सुबह 12:30 बजे पहुंचे औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कोनी में, तब उन्होंने अधिकारियों से ये पूछा कि वो जो रूपरेखा तैयार करने के जो निर्देश दिए थे उसका वो कागज जो दस्तावेज है। आशीष, क्या कुछ क्या कोई समय सीमा दी गई थी कि इतने समय में काम पूरा हो जाना चाहिए? जो काम पूरा नहीं हुआ तो विजय शर्मा नाराज हो गए, फटकार लगा दी, और फिर क्या 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 कहा है उनसे कि कब तक काम पूरा हो जाएगा? फिलहाल सुमित, काम सैंक्शन होना जो है वो पूरा हो गया है, बस वर्क ऑर्डर के बाद काम शुरू होगा। आज जो मंत्री जी की नाराजगी का मामला था, वो कुल मिलाकर के एक दस्तावेज, जो हम दस्तावेज होते निर्माण के संदर्भ में अधिकारियों से, वो उन्होंने मांगा और वो उन्होंने उनके उपलब्ध नहीं कराने पर जो है बिफर गए जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने जो है फिर नियमित तौर पर काम करने के निर्देश देते हुए बिलासपुर के कोनी में जो आईटीआई है उनको ठीक करने, रिनोवेशन करने और छात्रों को उसका लाभ देने की बात कही है सुमित।